हुआ है और उसके साथ साथ हमारे जिला अध्यक्ष क्या हुआ। मैंने यहाँ अपना मंडल प्रधान जो है वो पाया भोतराज जी, बड़ा नुकसान पार्टी को, मुझे जाती भी इतने बढ़िया कार्यकर्ता, इतने नेक कार्यकर्ता, इतने साफ सुथरे कार्यकर्ता, इतने सच्चे मन के कार्यकर्ता बड़े कम रहते हैं, वो हमसे चले गए। वो बीमार रहे 20 दिन, वो घर में रहे 20 दिन का टेलीफोन बंद था, मैंने 2 बार फोन भी उनको किए। 20 दिन के बाद उनका फोन आया, मुझे टाइफाइड था, मैं बीमार था, परंतु वो लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का संदेशा था, इसलिए ठीक से इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद पता चला कि हॉस्पिटल, उसके बाद राजौरी में आया तो उनको वो मिलने भी आए, ठीक लग रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक फोन आता है कि वो हॉस्पिटल ले गए हैं, उनको अटैक आ गया, वहां से वो जम्मू आते हैं। प्रयास किया गया कि उनका अच्छा से इलाज हो, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनके परिवार के साथ पूरे तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी का, हमने, मैंने अपने छोटे भाई राजा रतन के पिताजी को कहा, माननीय सुखदेव जी हमारे बीच में नहीं रहे। जब भी मैं उनके पास बैठता था, बड़ी अच्छी बात करते थे, बड़ी अच्छे विचार रखते थे, हमें ताकत देते थे, मनोबल देते थे, आगे बढ़ने का एक शिक्षा देते थे, वो हमसे चले गए। उसके साथ अगर हम बात करें कि हमारे शहर से, जैसे दिनेश जी ने बताया कितने नाम इन्होंने गिनाए हैं, चाहे उसमें कुमार जी हैं, चाहे हमारे साहब जी की धर्म पत्नी है, हमारे यहाँ स्त्री जी हैं, उनकी धर्म पत्नी सुदर्शना जी, जो कि सत्संग को यहाँ पर पिछले 40 सालों से बुल्तान भवन के अंदर उनका एक अहम रोल रहा है। उसके अलावा भी यहाँ पर शहर के अंदर बड़ी मौतें हुई। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि भाल के अंदर हमारे रवि जी चले गए, वहां से पंडित लेखराज जी चले गए। हम अगर मुरादपुर और ढूंगी की भी बात करें तो वो इन इलाकों के अंदर से भी हमारे कुछ साथी चले गए और बड़ा एक नुकसान हमको देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर शोक सभा रखी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी के साथ खड़ी है। वो इस दुख की घड़ी में अपने आप को अकेला महसूस न करें। पूरी भारतीय जनता पार्टी राजा रतन जी के साथ खड़ी है। इस दुख की घड़ी में वो अपने आप को अकेला महसूस न करें। पूरी भारतीय जनता पार्टी, भोतराज जी के भाई यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी भोतराज जी के साथ खड़ी है, इनके परिवार के साथ खड़ी है, भोतराज जी के परिवार के साथ खड़ी है। वो कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। मैं फिर कहूंगा कि राजेंद्र जी का जो एक बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई पूरी जिंदगी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैं राजेंद्र जी से कहूंगा कि आपका जो है एक फर्ज बढ़ गया है, आपके अपने परिवार के साथ दो और परिवारों का फर्ज जो है वो आप पे आया है, उसको आपको निभाना है। हम पूरे तरीके से आपके साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर उन सब आत्माओं को जो हमारे उनसे बिछड़ गई हैं, हमसे चली गई हैं, उनको भगवान उनको अच्छे तरीके से ऊपर स्थान दे और उनको वहां शांति मिले, उनको मन को शांति मिले, उन आत्माओं को शांति मिले और उनके परिवार जो पीछे परिजन बचे हैं, परिवार बचे हैं, वो अच्छे से अपने परिवार को आगे चलाए। इसी बात को कहकर मैं आज इस शोक सभा में अपनी बात को समाप्त करूं। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विभोज गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष जी, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष और शहर राजस्व दिनेश शर्मा जी, हमारे दोस्त जनरल सेक्रेटरी कार्यकर्ता बहनों तथा भाइयों, साथियों, मैंने आपके लाइफ के अंदर बहुत सारी बीमारियों के नाम सुने। आपको भी शायद इसका नॉलेज होगा कि ये जो कोरोना है, जनवरी के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमें फरवरी को पता लगा कि कोरोना नाम की बीमारी है, और इसके बारे में आम यही कहा जा रहा है ये वायरस जो था ये चाइना की तरफ से फैलाया गया। ये जो चमगिद्दड़ होते हैं, मेरा ये जो ठाकुर द्वारा है मेरे घर के नीचे, कभी कभी 4-6 चमगिद्दड़ यहाँ भी होती है। आपने भी देखा होगा कि ये उल्टे होते हैं, दिन को इनको अंधेरा लगता है, रात को इनको लाइट आती है। पार्टी के
जिला कार्यालय में एक शोक सभा रखी गई थी, एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था, जिसमें पिछले दिनों इस कोरोना की वजह से बहुत ही कीमती जाने जो राजौरी जिला से गई हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये समारोह रखा गया था। उसमें जो विशेष तौर पर नुकसान हुआ है, हमारे मंडल के अध्यक्ष बोधराज जी का देहांत हो गया इस कोरोना की वजह से, हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी के दो बड़े भाई श्री विजय गुप्ता जी, श्री पवन गुप्ता जी, वो इस संसार को छोड़कर चले गए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजा रतन जी के पिता श्री मास्टर सुखदेव जी, वो यहाँ से इस संसार को छोड़कर चले गए। और कई कीमती जाने इस राजौरी में कोरोना का ग्रास बनी, जिस तरह हमारी माता शकुंतला जी इस शहर से, कुमार जी, और यहाँ पर और हमारे रघुवीर सराफ जी की धर्मपत्नी, अशोक जी की धर्मपत्नी, जवाहर नगर से श्री चमेल जी, अपना बालजराला से रवि जी, पंडित लेखराज जी, और इसके साथ हमारी पार्टी से जुड़े लोगों के अलावा भी बड़े लोग हमारे यहाँ, हमारे मास्टर जंगबाज जी हुआ करते थे, पीडीपी के पिछले जिला अध्यक्ष एजाज मिर्जा जी, वो छोड़कर चले गए, और जितने भी इस कोरोना का ग्रास इस पिछले समय में बने हैं उस सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सभी इस जिला कार्यालय में इकट्ठे हुए, जिसमें विभोज जी, कुलदीप जी और बाकी जितने भी कार्यकर्ता थे वो इसमें उपस्थित थे। सभी ने इन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के साथ पूरी तरह खड़े रहने का एक अपना निश्चय जो है वो दोहराया, और उनके परिवार के साथ खड़े रहने का एक वादा उन परिवारों को किया। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से सभी इन महान आत्माओं को दिल की गहराई से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।